खबर चार का आज का ये है सवाल कि अगर ये लोग आए अपने मसाइल हल करवाने के लिए और इनके मसाइल हल ना हो तो फिर ये लोग कहाँ जाएं। अब हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत की, आपको लिए चलेंगे जहाँ फाटा से ताल्लुक रखने वाले तुलबा को उनके एजाज में तहाइफ दिए गए और एक फंक्शन हुआ, तकरीब हुई, जिसको रिपोर्ट कर रही है बीनस जावेद। फाटा की मुख्तलिफ एजेंसियों से ताल्लुक रखने वाले ये वो तलबा हैं जिन्होंने नवी जमात के बोर्ड के इम्तिहान में 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में USAID की जानिब से फाटा के 81 तालिब इल्मों के एजाज में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खसूसी अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर की अहलिया डॉक्टर मेलेनिन वाइट ने इस मौके पर कहा कि अमरीका पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर तालीम के जरिए फाटा की तरक्की के लिए काम कर रहा है। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट अ प्रोग्राम इन एजुकेशन। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट हैव बीन ऑफर्ड टू आउटस्टैंडिंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन फाटा सो दैट दे कैन गो एंड कंटिन्यू देयर स्टडीज। 2008 से अब तक फाटा से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1400 तलबा और तालिबात USAID के जरिए वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं। तकरीब में अपने स्कूलों में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा में असनाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ बीनस जावेद, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। बीनस जावेद की रिपोर्ट आपने देखी। बीनस जावेद इस वक्त फाटा के इन्हीं जहीन तलबा के साथ मौजूद है, देखते हैं ये जहीन तलबा क्या कहते हैं। जी बीनस जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फाटा के ऐसे तालिब इल्मों से जिन्होंने अपने अपने स्कूल्स में नवी जमात के बोर्ड के एग्जाम्स में अपने अपने स्कूल्स में टॉप किया है। ये वो तालिब इल्म हैं जो मेहनत से तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके इलाके में अमन हो, सुकून हो। हम इनसे कुछ बात करेंगे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद वकास, आप बताएं आपका किस एरिया से ताल्लुक है। मैं बाजू एजेंसी से ताल्लुक है, मैं फाटा। आप बताएं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? इसमें फेडरल बोर्ड से 490 लिए, मैं 525 में। 525 में। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, स्पेशली अपने एरिया के लिए क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह मेरी तो यही कोशिश है कि जो है ना या आर्मी में जो या एक बहुत ज्यादा अच्छे जो है ना एक डॉक्टर बन जाऊँ और उन जो है ना इलाकों में जो है ना बहुत ज्यादा गरीब आवाम है तो उनका जो है ना हेल्प कर सकूँ। यही मकसद है मेरा और इस्लाम की जो है ना सर बुलंदी के लिए खास तौर पर। और विशाल अहमद हैं। विशाल आप बताइए कि आपने नवी जमात में बोर्ड के एग्जाम्स में कितने मार्क्स लिए? 493 525। तो ब्रिलियंट स्कोर, यानी कि आपके जो इलाके के लोग हैं उनके पास अच्छी तालीमी सहूलियात मैसर हैं कि आपने इतना हाई ग्रेड बोर्ड के मार्क्स में स्कोर किया। आप उस फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और अपनी एजेंसी के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ क्योंकि उधर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल इधरों की कमी है। आप मोमेंट एजेंसी से? आप बताएं। मोमेंट एजेंसी से जी। और बताएं क्या मसाइल है? उधर सड़क नहीं है, हमारे जो एजेंसी है हम जा रहे थे वो उधर पक्की सड़क नहीं है, सारे कच्ची सड़क है, गाड़ी नहीं जाती है उधर। स्कूलों की कमी है, उड़ाए जा रहे हैं स्कूलों को, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते दहशतगर्दी की वजह से, हमारे ये मसाइल है। और लेकिन आप जैसे और तालिब इल्म हैं वो चाहते हैं कि तालीम आम हो, दहशतगर्दी का मसला सॉल्व हो। जी बहुत है लेकिन कर नहीं सकते। जफर इकबाल है। जफर आप बताएं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? मैंने 490 मार्क्स किए आउट ऑफ 525। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ। आप मुस्तकबिल में क्या करना चाह रहे हैं? मैं पायलट बनना चाहता हूँ, अपनी मुल्क का दिफा करना चाहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद है नईमुल्ला, आप बताएं आपने कितने मार्क्स स्कोर किए नवी जमात में? फटाबाद मोड में 491 मार्क्स लिए आउट ऑफ 525। ठीक है। और आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। जी ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, इनका ताल्लुक फाटा से है, इन्होंने अपने अपने स्कूल्स में टॉप ग्रेड्स स्कोर किए हैं, पर अज़्म है, चाहते हैं कि इनके जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है इनके कबायली इलाके में अमन आए, सुकून आए और तालीम जो है वो आम हो और मिलिटेंसी का खात्मा फाटा से हो। जी बहुत शुक्रिया बीनस जावेद।